आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरहर देवरिया में शुक्रवार को प्रेसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का करमटार, सरेखा में जिलाध्यक्ष गिरेंद्र प्रताप यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी परिवर्तन रथ लेकर निकले प्रगति से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गिरेंद्र प्रताप यादव के साथ रथ के छत से हाथ हिलाकर हजारों की संख्या में उपस्थित सम्मानित जनता का अभिवादन किया। तत्पश्चात सुरक्षा के बीच मंच पर पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण हुआ। चांदी की मुकुट व चित्र देकर गिरेंद्र प्रताप ने सम्मानित किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में हमारी सरकार आने पर प्रत्येक घर में बीए पास छात्र छात्राओं को नौकरी व 300 यूनिट बिजली फ्री व वृद्धा पेंशन, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों के हित के लिए समुचित विकास व्यवस्था आदि योजनाओं को लागू किया जाएगा। शिवपाल सिंह यादव ने जनता के समक्ष गिरेंद्र प्रताप यादव को बरहज विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया। वहीं प्रसपा जिलाध्यक्ष गिरेंद्र प्रताप ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सदैव आप सभी के बीच रहकर आपका बेटा बनकर सेवा करता रहूं और आगे भी करता रहूंगा। न्यूज 9 भारत से संवाददाता पवन पांडे की रिपोर्ट। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति होगी अगर आप विलय कर लेंगे तो? देखिए, हमने तो देखिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से सेकुलर पार्टी और हमने समाजवादी पार्टी से भी हमने प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चाहे गठबंधन कर लें चाहे विलय कर लें, हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम कोई भी त्याग कर सकते हैं। हमने हमेशा त्याग और संघर्ष पर भरोसा किया और त्याग और संघर्ष करके ही हमने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया। बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ अन्य कई और छोटे छोटे दल आपके साथ अलायंस हो रहे हैं, भैया टिकट का बंटवारा होगा तो कैसे ऐसे कैसे लड़ेंगे और कैसे टिकट अपने आप उसमें पाएंगे? 403 सीटें हैं जी, 403 सीटें, और जब मैंने कह दिया है कोई भी त्याग करने को हम तैयार हैं, लेकिन हमारे लोगों का जितने भी हमारे लोग जीतने वाले लोग थे उनका सम्मान हो जाना चाहिए, उनको टिकट मिल जाना चाहिए, और नहीं मिलता है तो हम तो चुनाव लड़ाएंगे अपने जीतने वाले प्रत्याशियों को, और हम छोटी छोटी पार्टियों को करके एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से जरूर हम गठबंधन किया। पूर्वांचल में स्थिति क्या है? गठबंधन करके सरकार बनाएंगे और जहां पर भी प्रगति समाजवादी पार्टी होगी वहीं पर अपनी बात 2022 में सरकार होगी। सर, पूर्वांचल में क्या स्थिति होगी? सर, कांग्रेस से हो सकता है, बीजेपी का तो आप विरोधी कर रहे हैं, तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो ही सकती है। हमने वैसे तो प्रयास समाजवादी पार्टी से किया, पहली प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी। सर, पिछले थैंक यू धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।